आज की वीडियो में हम देखने वाले कि एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स हमारे डब्बा टीवी पे चलता है या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। हमने भी आज तक देखा नहीं है सामने से, तो अभी ट्राई करके देख लेते कि ये एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स जो है D2H स्ट्रीम का डब्बा टीवी पे वर्क करने वाला है या नहीं। देखिए, अभी सबसे पहले इसके साथ मिल जाती है HDMI केबल जो इसमें लगने नहीं वाली है, तो हमें इसका अल्टरनेटिव है वो है अपना 1/3 वाली वायर। 1/3 वाली वायर लगाने वाले, इसका एक पॉइंट जाएगा हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर और दूसरा पॉइंट जाएगा हमारे टीवी के अंदर। ये दो अगर टीवी के ऊपर डिस्प्ले आ जाता तो फिर डब्बा अपना बॉक्स वर्क कर रहा है डब्बा। ओके, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं अडाप्टर को, अडाप्टर को जल्दी से वायर खोल लेंगे। शॉर्ट वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है चैनल पे, और अगर किसी को भी एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स परचेस करना है तो हमसे कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस दी गई है अच्छे वाले प्राइसिंग के साथ में, और बहुत ही कम प्राइस आपको मिल जाए हमारे यहाँ सबको। ठीक है, तो डाल दिया मैंने अंदर। क्या डिस्प्ले यहाँ पे शो होने वाला है, ये देखिए गाइस, हो गया। ये डिस्प्ले यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हमारा डब्बा टीवी आप एंड्रॉइड टीवी पे भी यूज कर सकते, डब्बे टीवी पे भी एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स यूज कर सकते हो और अपने डब्बे टीवी को बना सकते हो स्मार्ट और एंड्रॉइड। ये आ जाता है इसका रिमोट वॉइस कंट्रोल वॉइस असिस्टेंट के साथ में, जिसमें आप माइक कंट्रोल भी इसके अंदर यूज